तो वेलकम टू माय चैनल सुमी अलावत। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब अच्छे से रहना भाई। तो आज करते हैं आज का चैनल शुरू। तो आज मैं बना रही हूँ छोले और आलू की सब्जी मिक्स, आलू छोले। तो मैंने छोले बॉयल करके और आलू रख लिए हैं इधर। मैंने ये चाय पत्ती के पानी में बॉयल करके रखे हैं और मैं इसको ढककर रख दिया ताकि इसमें कोई मच्छर मक्खी नहीं पड़े। इधर मैंने लिए हैं दो टमाटर और ये चार हरी मिर्च और ये छः से सात कली है लहसुन की। दो प्याज हैं, इनको भी मैं कट करके रख लूँगी। और इधर मैंने अपना दूध बॉयल कर दिया है ताकि इसमें अच्छे से मलाई आ जाए। मैं इसको ठंडा होने के बाद फ्रिज में रख देती हूँ। और अभी मेरा काम सब हो गया है, झाड़ू पोछा वगैरह, कपड़े, पूजा वगैरह। तो मैंने सोचा चलो अब वीडियो शुरू कर लेते हैं, दोपहर का भी टाइम हो गया है। तो चलिए करते हैं शुरू। तो अभी मैं काट लेती हूँ प्याज टमाटर। अभी मैं काट रही हूँ प्याज। चुप, बाहर चल। अब ये जो टमाटर है ये मैंने अच्छे से धो के और हरी मिर्च धो के रख लिए हैं। इनका मैं छिलका उतार के तब तड़के में डालती हूँ, क्योंकि मैं जब भी सब्जी बनाती हूँ तो मैं टमाटर का हमेशा छिलका उतार के ही तड़का लगाती हूँ। तो अभी मैं काट रही हूँ टमाटर, इसका छिलका उतार रही हूँ। आज मैं छोले, आलू छोले के साथ में बनाऊँगी रोटी, क्योंकि भी डेली तली हुई चीज़ बोर हो गए खा खा के। पहले कुछ तो मोटे हो रहे हैं, कुछ और मोटे हो जाएंगे तेल की चीज खा खा। तो दोस्तों अभी मेरा एक टमाटर भी छिलके तैयार हो गया, अभी मैं दूसरा कट कर रही हूँ। अभी मैंने टमाटर भी छील लिया। तो अभी इसको कर रही हूँ बारीक बारीक कट। और मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी होम टूर दिखा दो। तो प्लीज़ आपको होम टूर देखना है तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, मैं आप लोगों को होम टूर भी शेयर करूंगी। और मेरे बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मी कैमरे के सामने आना, तो आप कमेंट करके हमें बताना कि हम कैमरे के सामने कब आएं। फ्रेंड्स अभी मेरा तड़का कट के हो गया तैयार। मैं चढ़ा लेती हूँ कढ़ाई गैस पे और गैस चला देती हूँ। और इसमें भी डालती हूँ सरसों का तेल, क्योंकि मैं सरसों का तेल ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और तेल भी मेरा बहुत कम रह गया, पता नहीं अब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि दुकान पे सामान मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब मैं कढ़ाई भी तेल हो सॉरी गरम हो गई, तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। और मैं कढ़ाई को गरम कर तो हल्की सी आंच पे गरम करके और नींबू से इसको साफ करती हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई है तो जल्दी ख़राब हो जाती है। और मेरे बच्चे इतने बदमाश है, देखो पर्दे का ये भी तोड़ डाला है इन्होंने। पता नहीं कब इनके स्कूल खुलेंगे, कब मेरा पीछा छूटेगा। अभी मेरा तेल गर्म हो गया तो इसमें डाल रही हूँ मैं जीरा। और ये है मेरे पास खड़े मसाले, तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है। अभी मेरा जीरा छिटकने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। प्याज को थोड़ी देर के लिए मैं फ्राई कर रही हूँ। अभी मेरा ये प्याज भी हो गई है बराबर, तो इसमें डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। मैं लहसुन अदरक का पेस्ट भी अच्छे से भून चुका, तो मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर और प्याज। अभी मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, डेढ़ चम्मच इसमें मैं नमक डालूँगी, क्योंकि पानी डालूंगी तो नमक कम पड़ जाएगा। और ये है सौंफ और धनिया का पाउडर। और ये है मसाला जो मैं घर में बना के रख रही हूँ, जो खड़ा मसाला होता है उसको पीस के वो अच्छे से। और थोड़ी सी इसमें हल्दी और हाफ चम्मच से भी कम इसमें लाल मिर्च पाउडर। अब मैं इसको अच्छे से हिला देती हूँ और इस मसाले को अच्छे से अब मैं हिला देती हूँ ताकि इसके कढ़ाई में नहीं लगे और इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बनने तक इसको तब तक देती हूँ। अच्छे से हो गया तैयार। देखो मैंने इसमें एक गिलास पानी भी डाला था। अभी मैं डाल रही हूँ ऊपर से थोड़ी सी कसूरी मेथी। और अभी डाल रही हूँ मैं छोले और आलू। छोले मैंने थोड़े से हल्के से मैंने ये फोड़ लिए थे, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना नहीं खाते साबुत वाले छोले, तब बोलते हैं मम्मी इनको थोड़ा फोड़ के डाल दिया करो। अभी मैंने इसमें डाल दिए हैं छोले, ऊपर से मैं डाल रही हूँ इसमें छोला मसाला। और पहले तो बोले ये कि मम्मी रोटी बनाना ना, चावल नहीं बनाना। और अभी बोल रहे मम्मी चावल भी बना लेना साथ में ही।
तो मैंने सोचा चल ठीक है थोड़े चावल भी बना देती हूँ। और मैं हल्का सा इसमें डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, बिल्कुल थोड़ा सा। तो फ्रेंड अभी मेरी सब्जी बनके हो गई है तैयार। देखो कितना अच्छा कलर आया है। और अभी चढ़ा देती हूँ कुकर। अभी इनकी च्वाइस आ गई है चावल खाने की, तो अभी मैं बना रही हूँ चावल। मैंने इधर एक गिलास चावल अच्छे से साफ करके दो तीन बार और फिर साफ पानी डाल के 10 मिनट के लिए छोड़ दिया है, ताकि जो भी गंदा कचरा होगा तो वो ऊपर आ जाएगा। तो चलो करते हैं शुरू। मैं कुकर में डाल रही हूँ थोड़ा सा घी, एक चम्मच। मेरा घी भी ख़त्म हो गया है, घर जाते तो लेके आते। पहली बार हम पता है डब्बे वाला घी खा रहे हैं अब की बार, नहीं तो हमें 10 साल हो गए जब से हम बाहर रह रहे हैं, तो हम भैंस का ही घी यूज करते थे। अब की बार हमने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, डब्बे वाला घी खा रहे हैं। तो अभी मेरा घी गर्म हो गया, तो इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा और लौंग। इसको चटकने देती हूँ, फिर मैं डाल दूँगी इसमें चावल। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें ये सितारा, ये मैंने तोड़ के डाल दिया है। और इसमें दो तेज पत्ते, ये भी मैंने तोड़ के इसमें डाल दिया है। इसको मिला देती हूँ अच्छे से। अभी मेरा जीरा और लौंग काली मिर्च जो भी मैंने इसमें डाला था वो मेरा अच्छे से चटक गया, तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक गिलास चावल। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ बिल्कुल एक चुटकी हल्दी, बिल्कुल एक चुटकी। आप बना के देखना ऐसे ऐसे वाले चावल। और थोड़ा सा इसमें बिल्कुल एक चुटकी सा नमक। अब ऐसे चावल बना के देखना, बहुत टेस्ट बनते हैं। और एक गिलास चावल था तो इसमें मैं डाल रही हूँ अभी 2 गिलास पानी। अभी मैंने चावल तैयार करके रख दिया, तो इसमें लगा रही हूँ ढक्कन और इसमें 1 से 2 सीटी आने तक इसको पकने के लिए रख देती हूँ। तो अभी मैंने कुकर बंद कर दिया है, इसमें 2 सीटी आ जाएंगी तो मैं इसको कर दूंगी बंद। तब तक मैं लगा लेती हूँ अपना आटा। तो अभी मेरा आटा भी लग के तैयार हो गया। इधर मैंने तवा अच्छे से साफ करके और मैंने गैस पे चढ़ा दिया, तो अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ। अभी मैं बना रही हूँ रोटी और मेरे चावल भी बन के तैयार हो गई हैं और बच्चों को लग रही है भूख। तो फ्रेंड्स मेरी थाली बन के हो गई तैयार, आ जाना आप लोग खाने के लिए। और ये आप ऐसे वाले चावल ज़रूर बना के देखना, पीले वाले। ये 2 रोटी हैं, मैंने मिर्च तड़का लगा दिया था और आधा नींबू है, ये लस्सी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर किया करो जो नए अभी मेरे चैनल पर आए हैं। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।